दोनों आ गए ना, विराट कोहली है ना भाई। मैं आपको बता रहा हूं, इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स ने, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स ने क्या बोला है जी उन्होंने वहां पे, साउथ अफ्रीका से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको रोज बोल रहा हूं विराट कोहली ड्रॉप हो ही नहीं सकता जी। विराट कोहली राहुल द्रविड़ से पूछ रहे मेरी जगह क्यों नहीं बन रही, मेरी जगह क्यों नहीं बन रही, मेरी जगह क्यों नहीं बन रही। कब से ये लोग कर रहे हैं, ईशान किशन आ जाएगा विराट कोहली बाहर आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। ईशान किशन आ जाएगा विराट कोहली बाहर आ जाएगा। ये तमाशे काफी टाइम से चल रहे हैं। और एक और मैं बात बता दूं आपको, अगर विराट कोहली नहीं भी होते टीम में, अगर विराट कोहली इस टीम में नहीं भी होते तो भी आईपीएल के बाद वो वर्ल्ड कप की टीम में आ जाएंगे। बाय द वे ये याद रखना, ये आपकी वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, ये आपकी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की टीम है। और रोहित शर्मा के दिमाग से, राहुल द्रविड़ के दिमाग से, सिलेक्टर्स फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने ये लोग सिलेक्ट करे हैं कि हाँ भाई ये जो हमारे प्लेयर्स है इनमें से ही, इस पूल में से अभी हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, अभी सूर्य कुमार यादव वापस आएंगे, अभी रविंद्र जडेजा वापस आएंगे, ये तीनों तो है ही है ना, बुमराह वापस आएंगे, सिराज को कंसिडर कर सकते हो, शमी भाई भी, छह और ये कितने हैं, ये हैं आपके 16-17 है मेरे ख्याल। आप छह ये हो गए और ये गिन लीजिए ना, रोहित, गिल, जायसवाल, विराट, तिलक, रिंकू, जितेश, संजू, शिवम, सुंदर, अक्षर, रवि, कुलदीप, अर्शदीप, आवेश और मुकेश, 17 नाम, तो जी 16 नाम, अब 16 ये हो गए, 6 और आने, 22 हो, अब इन 22 में से निकालने तुम्हें 15 है ना। अब इन 15-16 नामों में से आपको जब, मतलब 22 नामों में से 15 निकालने पड़ेंगे वर्ल्ड कप के लिए, वो आप कर लोगे बाद में आईपीएल को देखते हुए, ठीक है। लेकिन अभी जितना एजेंडा चला कि विराट कोहली नहीं होंगे जी, देखो रोहित शर्मा तो इनको लाने ही पड़ गए बिकॉज कप्तान नहीं है इस सीरीज के लिए कोई। अब आप मुझे ये बता दो इतनी देर क्यों लगी, बातें क्या क्या हुई। मैं आपको क्या बोला, केएल राहुल पे डिसाइड कर रहे हैं, केएल राहुल पे डिसीजन हो रहा है कि केएल राहुल का क्या होगा। इसमें नजर आए, ठीक है नजर नहीं आए, लेकिन संजू सैमसन को मौका दिया गया, यहां पर एक बड़ा पुश मिला संजू सैमसन को, जो उन्होंने सेंचुरी मारी साउथ अफ्रीका में, आउट ऑफ द ब्लू आए हैं साउथ अफ्रीका। बाय द वे संजू सैमसन इसमें आ गया, T20 सीरीज में क्यों नहीं था साउथ अफ्रीका में, बताए ना मुझे, हालांकि T20 सीरीज पहले इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में क्यों रहता संजू सैमसन, जबकि लगातार खेल भी रहा था, लगातार खेल रहा था। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में आपने जितेश को रख लिया, ईशान को रख लिया और एक ईशान को बाहर कर दिया आपने। आपने संजू सैमसन को कंसीडर नहीं किया हुआ था, आपने संजू सैमसन को वनडे खिलाया साउथ अफ्रीका में, ना आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खिलाया, ना ही आपने उसको T20 साउथ अफ्रीका वाली T20 में खिलाया, नहीं खिलाया आपने, नहीं खिलाया। आप यहां पे लेके आए हो आप, मतलब कि आप अब पैनिक कर रहे हो, आपको केएल राहुल पे भरोसा नहीं है, हालांकि वो अब संजू सैमसन का भी मुकद्दर और केएल राहुल का भी मुकद्दर आईपीएल ही डिसाइड करेगा बॉस, ये सीरीज डिसाइड नहीं करेगा। रोहित शर्मा का भी मुकद्दर, और आप ये समझ लीजिए संजू सैमसन का मुकद्दर, जितेश शर्मा कितने मैच खेले उसने, 4-5 मैचेस ही, उसका भी अभी ईशान किशन भी बाहर है। हाँ। तिलक वर्मा लगातार फ्लॉप हो रहा है, तिलक वर्मा को भी रन बना दे तो भाई, अब ये रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल वापस आते हुए, अभी रविंद्र जडेजा को ले आए साउथ अफ्रीका में, लेके नहीं गए, फिर साउथ अफ्रीका में रविंद्र जडेजा खेल गए वाइस कैप्टन, अब अक्षर पटेल वापस आ गया। इन ये खुद अपने चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इनको अभी समझ में नहीं आ रही कि हमने टीम रखनी क्या है। और अभी तो जब हार्दिक पांड्या वापस आएगा तब ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि कप्तानी कौन करेगा और हार्दिक का फॉर्म कैसा रहेगा। बिकॉज अगर आईपीएल में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हो सकता है रोहित शर्मा ही आपकी कप्तानी करें, अगर आईपीएल में रोहित शर्मा की फॉर्म ऊपर नीचे हो गई तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या कप्तानी करे। लेकिन इससे हुआ क्या है पता है आपको, रोहित शर्मा ने भी क्लियर मैसेज दे दिया कि मैं 2024 T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, मैं बाहर नहीं बैठना चाहता। और विराट कोहली ने भी सेम चीज बोल दी, वो तो पहले ही बोल दिया आपने, नहीं अवेलेबल अवेलेबल उन्होंने बोला है। लेकिन अगर ये खेल रहे हैं ना इंडिया अफगानिस्तान, भाई इनको खेलने की जरूरत है नहीं, रोहित शर्मा अफगानिस्तान के अगेंस्ट प्रूव करेंगे ना, विराट कोहली अफगानिस्तान के अगेंस्ट प्रूव करेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। लेकिन इनकी मजबूरी है इस टाइम पे, इनकी मजबूरी है इस टाइम पे कि इनको खेलना पड़ रहा है एक साल से क्योंकि बाहर थे। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अगर आ रहे हैं यहां पर तो वो सोच रहे कि मुझे एज अ कैप्टन ही 2024 में रखा जाएगा, बट हार्दिक के आने के बाद क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन सारे सवालों के जवाब आपको आईपीएल में ही मिलेंगे, बट आई एम ग्लैड
कि दोनों हैं और यही होने भी वाला है। एंड जो लोग बेशरम विराट कोहली के लिए इतने दिन से, देखो रोहित के लिए कोई नहीं बोल रहा था, रोहित के लिए किसी ने नहीं बोला कि रोहित बाहर होंगे, सारे प्रिंट में देख लो, सारे आप डिजिटल पे देख लो, सब यही लगे हुए थे, विराट कोहली बाहर होगा, विराट कोहली बाहर होगा, विराट कोहली बाहर होगा, विराट कोहली बाहर होगा, विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में नहीं नजर आएगा, कितने लोगों ने बोला, सबने बोला। अगर विराट कोहली आज वापस आ गए हैं, वापस के आ गए, वो हमेशा से था, तुम लोग बकवास करने जा रहे हो, वो कहीं गए ही नहीं थे, तो अगर वो थे ही थे तो आप लोग इतनी ड्रामेबाजी आपने क्यों करी? और ये कौन है जो बार बार, मेरे को तो पता है कौन है, ये कौन है जो बार बार विराट कोहली के अगेंस्ट लॉबी चलाता है, बोलता है कि विराट को बाहर करो। भाई पूरी दुनिया देख रही है, आप विराट को बाहर निकाल दोगे हालत खराब हो जाएगी आपकी, आप वैसे भी नहीं जीत पाओगे उसके बिना, मतलब ठीक है किसी के बिना तो आप जीत, मतलब किसी के बिना रुकते नहीं क्रिकेट, आप जीतोगे जीतोगे, लेकिन आप अपने सबसे बड़े प्लेयर को बाहर नहीं रख सकते। फिर क्यों इतना प्रोपेगेंडा होता है इस प्लेयर के अगेंस्ट जो आपका सबसे बड़ा प्लेयर है? क्योंकि कोई ना कोई तो नहीं चाह रहा कि हो, और बार बार इन लोग को मुंह पे जूता खाना पड़ता है, ये बार बार उल्टी खबर चलाते हैं, वो बार बार टीम में होता है, ये बार बार उल्टी खबर चलाते हैं, वो बार बार टीम में होता है, उसको तुम बाहर रख ही नहीं सकते। बाय द वे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में कोई काम नहीं है विराट कोहली का, वो आराम से बाहर हो सकता था, लेकिन इन्होंने रखा ही इसलिए है बिकॉज ये मैसेज भी दिया है कि नो ही इज सीरियस अबाउट T20 वर्ल्ड कप। आपने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज नहीं खेली, आपने रेस्ट करवाया, आपने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज नहीं खेली, आपने रेस्ट करवाया, बीसीसीआई ने प्रॉपरली औपचारिक तौर पे लिखा कि दोनों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रेस्ट मांगा है, उन्होंने केएल राहुल के लिए नहीं रखा था, उन्होंने विराट के लिए और रोहित के लिए लिखा था। तो जब उन्होंने ये लिखा तो इसका मतलब है ये रेस्टेड थे। तुम खुद ही शुरू हो, विराट ड्रॉप हो जाएगा, विराट को बाहर निकाल दो, विराट की स्ट्राइक रेट ये है, विराट अच्छा इंसान नहीं है, सारे ड्रामे हुए हैं। उसका नाम देख के डूब के मरने का मन नहीं कर रहा इन लोगों का। वैसे आपके औपचारिक तौर पे कप्तान रोहित शर्मा अभी वापस आए हैं एक साल के बाद, लास्ट T20 विराट रोहित ने खेला था ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट इंग्लैंड सेमीफाइनल, उसके बाद से हार्दिक पांड्या कप्तान थे। और यह भी मत भूलिएगा कि हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से बाहर है, अगर हार्दिक पांड्या यहां अवेलेबल होते आपको शायद रोहित शर्मा इस टीम में ना नजर आते एज कैप्टन, हालांकि और शायद वो रेस्ट ले लेते। श्रेयस अय्यर भी ड्रॉप है, श्रेयस अय्यर डेफिनेटली, देखो श्रेयस अय्यर को आपको बाहर रखना था, रन नहीं आए उसको आपने बाहर रखा हुआ है। केएल राहुल का मेन बात है क्योंकि देखो केएल, तीन बंदे ड्रॉप हुए थे या ड्रॉप बोल लो या बाहर हुए थे, तीन लोग बाहर हुए थे। जब वासुदा मेरे से बहस भी करते थे कि विराट कोहली नहीं होगा T20 टीम में, मैंने बोला था आप शर्त लगा लो 100% होगा, बहस करते थे नहीं करते थे, मैं तो उस टाइम मैंने बोला मेरी किसी से बात भी नहीं हुई छोड़ दो 100% होगा, कॉमन सेंस है, सही बात है, छोड़ दो आप रन्स के बेसिस। आज तो मुझे मल्टीपल लोगों ने बताया भी कि यार वो 100% टेंशन क्यों ले रहे हो, मतलब मैं नहीं टेंशन ले रहा था, बाकी लोग, रोहित का भी था कि दोनों, अब तो मैंने आज इसी लाइन से पहले बोला ना कि मोस्ट प्रोबेबली दोनों होंगे ही होंगे, ये पंगा क्यों लेंगे अभी, अभी आईपीएल के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तीनों बाहर थे, रोहित शर्मा बाहर थे, विराट कोहली बाहर थे, केएल राहुल बाहर थे, केएल राहुल वापस नहीं आया। और मैं प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूं कि केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को जगह मिली है, बिकॉज राहुल द्रविड़ फेवर में रहते केएल राहुल के अभी भी, लेकिन केएल राहुल के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। IPL वो आईपीएल में 550 रन मारेगा, संजू सैमसन आईपीएल में 300-400 रन मारेगा। संजू सैमसन का वो अगर हमेशा से वही हाल रहा है कि एक दो मैच में रन आ गए फिर फ्लॉप हो गए, भाई फ्लॉप होते हैं, केएल राहुल मारता है कंसिस्टेंटली, तो वो उस बेसिस पे डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप की टीम में आएगा ही आएगा। लेकिन एक बड़ा यहां पे रिलीफ फैंस के लिए, टेम्पररी रिलीफ है, लेकिन भाई साहब ये बता दूं जिसको लग रहा है कि ये परमानेंट T20 वर्ल्ड कप के, नो सॉरी आईपीएल के बाद ही डिसाइड होगा, ये देख लेना। बट और अगर एक बात और ये, अगर विराट और रोहित दोनों अफगानिस्तान की सीरीज खेलनी पड़ रही है ना, तो इसका मतलब जेन्युइनली बीसीसीआई सोच रहा है, इनके आगे भी देख रहा है कि अगर रोहित के रन नहीं आते तो थैंक यू वेरी मच, और फ्रैंकली विराट के रन भी नहीं आते तो भी थैंक यू वेरी मच, बिकॉज दोनों खेल रहे अफगानिस्तान की सीरीज और नहीं खेलते। बट आपने केएल राहुल का पॉइंट बोला कि केएल राहुल अगर आईपीएल में 500 रन बनाते हैं या संजू 350-400 तो वो ऑटोमेटिकली केएल राहुल का सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। पॉइंट ये है कि संजू सैमसन को लाने के पीछे का मकसद अब यहां पर क्या है कि
अगर रोहित और विराट आपके लिए T20 के वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं और अगर वो दोनों खेल रहे हैं जी, पहले भी पॉइंट उठाया था कि आपके लिए टॉप ऑर्डर में कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए जो विकेट कीपर हो, बैटर बैटिंग कर सके। हम ईशान किशन का सोच रहे थे, वो ड्रॉप हो चुके हैं अभी, ये ड्रॉप्ड है बिल्कुल। संजू सैमसन के लाने के पीछे का मकसद जो मुझे नजर आता है जी जी जी, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में कर रहे हैं तो नहीं नहीं, राजस्थान के लिए टॉप ऑर्डर में भी कर रहा है, अभी कर रहा है, नंबर 1 2 भी कर सकते हैं, वैसे इसने मिडिल ऑर्डर खेला हुआ है, नहीं खेला हुआ है, लेकिन संजू सैमसन इंडिया के लिए ओपनिंग करता था केएल राहुल, अब केएल राहुल बोल रहा है मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा, राइट। बट रोहित विराट अगर आएंगे तो आपको टॉप ऑर्डर में कोई विकेट कीपर चाहिए आपको, ये नहीं नहीं तो उस हिसाब से आप संजू सैमसन में चाहिए, आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए ना, अगर रोहित विराट आते हैं, अगर रोहित विराट 11 में खेलने हैं एक साथ एक टीम में, देखो भाई अगर अब उसकी बात अलग, अभी वो भी अभी देखो आपका भी वो भी डाउट दूर करूंगा, अभी वो भी 11 बना लेते हैं ठीक है ना, देखो अगर रोहित भी होते हैं विराट भी होते हैं तो रोहित मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ, आप जायसवाल को बाहर नहीं कर सकते, या तो आप रोहित विराट के साथ ओपन करो, तो आप जो हमने पहले टीम बनाई थी उसमें केएल राहुल की जगह संजू सैमसन आ जाएगा, या ईशान किशन नीचे, ईशान किशन के साथ आप सोच रहे थे रोहित शर्मा ओपन कर लें, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ये यशस्वी, अगर यशस्वी जायसवाल के साथ बार बार जाया जा रहा है, अच्छा ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं है जी, वो इंजर्ड है, सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो इंजर्ड है, हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड है, ये तीनों को रूल आउट कर दिया गया है, जसप्रीत बुमराह रेस्ट कर रहे हैं और मोहम्मद सिराज भी रेस्ट कर रहे हैं, क्लियर कर दे ठीक है ना, ये तीनों कौन कौन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप नहीं है, इंजर्ड है क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 मारा था, याद करिए है ना, तो आपका जो डाउट था अगर 11 बनेगी इसमें, देखो या तो आप रोहित शर्मा चाह रहे हैं, रोहित शर्मा अगर अपने तरीके से करेंगे ना तो रोहित शर्मा और एक और ओपनर और विराट को तीन पे रखेंगे, सूर्या को चार पे रखेंगे, वो उनकी थिंकिंग है, और वो मिडिल ऑर्डर में एक कीपर को रखेंगे है ना, बट उस केस में फिर वही होगा कि रिंकू बाहर बैठना पड़ेगा, 6 पे विकेट कीपर आएगा, 5 पे हार्दिक और 7 पे ऑलराउंडर, हाँ तो ये देखना पड़ेगा उनको, बॉलर्स के साथ आप जाओगे फिर ये है, या तो यशस्वी जायसवाल की जगह वो ईशान किशन को ला सकते हैं और फिर उसके बाद केएल राहुल एज अ बैटर, मैं कह रहा हूँ आपको, आपको ये है अफगानिस्तान वाली सीरीज में 5 बॉलर्स के साथ भी आपका काम चल जाएगा, अगर हम यहाँ ही 11 बनाएंगे ना तो रोहित जायसवाल विराट आएंगे 4 पे, जो मर्जी अगर तिलक वर्मा खेल जाए, फिर उसके बाद रिंकू, फिर जितेश, फिर आपके 5 बॉलर, अफगानिस्तान सीरीज में आप बड़ा पैसा कर लो ना, आप जितेश रोहित विराट से ओपन करा लो, क्या पता नई थिंकिंग आ गई हो यार, तो जायसवाल और गिल को फिर आपने क्यों रखा है स्क्वाड में, अगर आपने रोहित विराट से ओपन कराना है, आप मुझे 11 बताओ ना, रुको 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 रुको, आप मुझे 11 बनाते हैं, मैं एक बार बताता हूँ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप, अभी की नहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए सोच रहा हूँ मैं, अच्छा चलो इसमें से बना लो, इसमें से बना लो, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, वैसे T20 वर्ल्ड कप की बनाओ, सूर्या नहीं है इसमें, सूर्या तो हो गई होगा, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, 4 हो गए, रिंकू सिंह को 5 पे लेता हूँ, रिंकू सिंह को 5 पे लेता हूँ, या हार्दिक पांड्या ले ले 5 पे, 6 पे रिंकू सिंह को लेता हूँ, 7 पे, आपके ऑलराउंडर जडेजा या अक्षर जो भी, विकेट कीपर कहां गए, विकेट कीपर नहीं आया, विकेट कीपर एक आए, तो आपको एक केएल राहुल फिट करना पड़ेगा, या आपको ईशान किशन नहीं होंगे, या ईशान, अगर हार्दिक पांड्या के साथ 5 होंगे, तो फिर पांड्या के साथ आप जाओगे 5 बॉलर, तो फिर अगर आप ओपनिंग स्लॉट पे देख रहे हो तो ओपनिंग स्लॉट पे फिर ईशान किशन आएगा, संजू नहीं आएगा, संजू नहीं, क्यों नहीं आएगा, संजू सैमसन ने टॉप ऑर्डर में बैटिंग की हुई है, ओपनिंग कब कर रहा है वो, राजस्थान के लिए देखो, अगर रोहित शर्मा को ओपन कराना है फिर आप ऐसे विराट कोहली से करा लो, रोहित विराट ओपन कर ले, आप रोहित विराट कोहली से करा लो, आप रोहित शर्मा विराट कोहली, 3 नंबर सूर्या, 4 नंबर आपका आ गया हार्दिक पांड्या, 5 नंबर रिंकू, 6 नंबर केएल राहुल, नहीं अगर आप, अगर आप जबरदस्ती आप अगर उसको बना रहे हो तो ऐसा तो आरसीबी के लिए विराट नहीं कर रहा ओपन, तो फिर गिल और जायसवाल दोनों ही बार बैठे, देखो एक सेकंड जो आपके लिए स्कीम ऑफ थिंग्स, एक सेकंड आपके लिए संजू सैमसन तो ओपन नहीं कर रहा, कर रहा है क्या ओपन, नहीं ओपन यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर कर रहे हैं ओपन, आप बोल रहे हो टॉप ऑर्डर खेल रहे, विराट कोहली तो ओपन कर रहा है आरसीबी के लिए, मेरी तो दिली तमन्ना है कि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ओपन कर ले, मैं तो कब से बोल रहा हूँ विराट कोहली ओपन कर ले, ये लोग सुनता ही नहीं, बार मैंने हजारों ट्वीट करे, विराट को पर्सनल मैसेज भी भेजे कि भाई ओपन कर लो, हाथ जोड़ रहा हूं, एक दिन मुझे खुशी की खबर मिली कि आरसीबी के लिए ओपन कर रहे हैं, पिछले सीजन याद है आपको, ओपन कर लिया उन्होंने विद फैफ डुप्लेसी, और तब से पिछला सीजन देख लो कैसा गया, कमाल का, तो 200 मार दिया लगातार, तो मैं तो बिकॉज क्या हो रहा था कि दोनों ओपनर आउट हो रहे थे, रोहित भी आउट, केएल भी आउट, तो मैं बोल रहा था जब विराट कोहली ने पहले 2 ओवर में आना भाई क्रीज पे तो उसे ओपन ही करा लो, तो मैं तो चाह रहा हूं रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन कर ले, नहीं भी करते हो आप, नहीं भी करते हो आप, तो मेरे ख्याल से संजू सैमसन की जगह मिडिल ऑर्डर में ही बनेगी, ओपनिंग स्लॉट में नहीं बनेगी, ओपनिंग के लिए आपके पास बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, या फिर यह होगा कि संजू सैमसन बाहर होंगे और जो केएल राहुल बोल रहा है कि मुझे मिडिल ऑर्डर खेलना है, फिर वो मिडिल ऑर्डर में फिट हो जाएगा,
या हो सकता है भाई के अगर अगर आप भाई देखो रोहित और केएल से दोबारा करें तो कुर्सी मार दूंगा सर। वही होगा फिर अगर छह बॉलिंग अगर रोहित विराट ओपन नहीं अगर रोहित और केएल से ओपनिंग करा ली मैं कुर्सी सर पे मार दूंगा। एक जोड़ी जो लगातार 50 बार फेल हो चुकी है उसको 51वीं बार प्लीज टेस्ट मत कर देना भाई। रोहित और विराट ओपन नहीं करेंगे तो आप फंसोगे उस केस में नहीं, आपको तो किसी न किसी विकेट कीपर को ओपन करवाना। तो भाई आज से ये मुहिम शुरू करो कि रोहित और विराट से ओपन करा लो। बाय द वे अभी उड़ती मैंने एक नजर मारी है, काफी लोग लिख रहे हैं ऋषभ पंत अगर आईपीएल में अच्छा कर गया फिर क्या होगा। देखो अभी भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इतना तमाशा मुझे नहीं समझ में आई कि इन्होंने इतना तमाशा किया क्यों। इतना तमाशा बनता ही नहीं था, इनको सिंपली अनाउंस करना चाहिए था कि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों खेल रहे। अश्योरेंस तो किसी को नहीं मिल सकती यहाँ पे वर्ल्ड कप की। सही बात। आईपीएल में ऋषभ पंत ने आना है, केएल राहुल की परफॉर्मेंस देखोगे, जितेश शर्मा को देखोगे, तिलक वर्मा को देखोगे, जैसी जो परफॉर्मेंस करेगा उसके बाद रोहित शर्मा को देखोगे, विराट कोहली को देखोगे, जैसी जो परफॉर्मेंस करेगा उसके बेसिस पे होगा ना। तो एक साल के बाद भाई इतिहास बनने जा रहा है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इतनी बड़ी सीरीज में आज की डेट में रोहित शर्मा को भी खेलना पड़ रहा है, विराट कोहली को भी खेलना है। बाय द वे इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन क्रिकेट बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर पड़ा इस टाइम पे, रोहित पे भी प्रेशर है और ऑनेस्टली बताऊं विराट कोहली पे भी प्रेशर है कि आपको परफॉर्मेंस देनी है। बेटा कप्तान तो बन गए हो, अगर वहां पे राशिद रशीद ने उड़ा दिया ना एक दो मैच में लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वो बात और इसके बाद अब देखो रोहित 3 T20 खेल लें, 5 टेस्ट मैच खेल लें इंग्लैंड वाले, हार्दिक ने तो कुछ नहीं खेलना। हार्दिक के बीच में गैप है, अरे यार कितना ही गैप होगा, हार्दिक ने तो कुछ नहीं खेलना। हार्दिक ने अपनी ट्रेनिंग करनी है, वो आएगा सीधा आईपीएल, ठीक है ना। इन्होंने 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, उसके बाद इन्होंने पूरा आईपीएल खेलना है, फिर आएगा वर्ल्ड कप, फिर आएगा वर्ल्ड कप। तो रोहित शर्मा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, दिल से दुआ है रोहित शर्मा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। उन्होंने आड़े हाथों लिया है, आप दोनों मुझसे 10,000 रुपए जीते हैं, ये बार आईपीएल का उनका 500+ रन का जाए और मैं दिल से चाहता हूं कि रोहित शर्मा ना बहुत 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 अच्छा करे। लेकिन विराट कोहली के लिए भी, विराट कोहली के लिए भी ये है कि भाई उनको भी जो उनकी जान सारी, क्योंकि देखो विराट कोहली ऐसा प्लेयर है अगर वो 20 से 19 भी नहीं 19.9 भी करता है ना उसका तब भी लोग आ जाते हैं कि अरे ये गलती कर दी, अरे वो गलती हो गई, बिकॉज वो बैठा हुआ टॉप पे। तो अगर विराट कोहली की स्ट्राइक रेट, अगर विराट कोहली की इंटेंट, अगर विराट कोहली की फिनिशिंग में तो कोई कमी है नहीं वैसे, मैच विनिंग नॉक्स में अगर 19 से 20 से 19.9 भी हो ना तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत ये है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। जो सारी खबरें आ रही थी कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बाहर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनके मुंह पे चप्पल मारी है आज। अच्छा मुझे, और मैं आपको कितने दिन से यहां पे स्पोर्ट्स आ रही है, आपको कितने दिन से मैं बोल रहा हूं कि विराट कोहली T20 से बाहर नहीं होगा। अच्छा ये शर्म कर लो यार, झूठ बोल रहे हो। उसने बोला था कि आएंगे तो दोनों ही आएंगे, रोहित शर्मा भी आएंगे, विराट, हम तो यही बोल रहे हैं यार। देखो हमने देखो ये बात नहीं है, देखो पंडित जी फिर मैं आपको बोलूंगा, मैं दोनों को कंफ्यूज या साथ में नहीं जोड़ रहा, क्योंकि लोग ये नहीं बोल रहे थे कि रोहित शर्मा नहीं होंगे, लोग बोल रहे थे विराट कोहली नहीं होंगे। हमने कभी नहीं बोला कि रोहित शर्मा को हटा दो, या हमने कभी नहीं बोला रोहित शर्मा नहीं होंगे, हम बोल रहे थे जो होगी टीम सामने आ जाएगी। ये काउंटर किया था कि सब के सब किस बेसिस पे बाहर, पूरी दुनिया ये लगी हुई थी कि विराट की T20 में जगह नहीं बन रही। एक भाई साहब जिनका मैंने इंटरव्यू करा था, वो भाई साहब धड़ल्ले से लगे हुए थे विराट की नहीं बन रही जगह, ईशान किशन को देखा जा रहा है, देखिए मेरे सौजन्य की वजह से मुझे पता चल रहा है कि ईशान किशन को देखा जा रहा है, विराट कोहली को नहीं देखा जा रहा है। फिटे मुंह ईशान ही ड्रॉप हो गया है हमारे भाई साहब, द ग्रेट मिस्टर जी 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 नहीं जी जी गौतम गंभीर नहीं, वो तो ग्रेट है भाई साहब। उस दिन मुझे किसी ने क्लिप देखी कि भैया घबराए हुए विराट कोहली के फैंस, घबराए हुए बिल्कुल, मुझे रोज मैसेज आ रहे हैं, कोई ट्विटर पे आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर आ रहा है, भैया विराट कोहली ड्रॉप हो रहे हैं क्या, भैया विराट कोहली ड्रॉप हो रहे हैं क्या। मतलब जूता उतार के ना तुम्हें मारूंगा मैं, तुम्हें 10 बार बोल दिया कि वो ड्रॉप नहीं हो सकता, नहीं भैया ये देखो क्लिप, उसमें क्या बोल रहा है रिपोर्टर साउथ अफ्रीका में, रिपोर्टर कह रहा है विराट कोहली को ड्रॉप किया जा रहा है, उनकी जगह नहीं बन रही, और विराट कोहली राहुल द्रविड़ से पूछ रहे कि मुझे क्यों नहीं रखा टीम में। तू सोच विराट कोहली बब्बर शेर पूछेगा राहुल द्रविड़ कि मुझे क्यों नहीं रख रहे टीम में, कोच मेरे को प्लीज बताओ ना मुझे क्यों टीम में नहीं रखा, प्लीज मुझे रोना आ रहा है, बब्बर शेर। तो मैंने क्लिप देखी, मैंने बोला बेटा थोड़े टाइम रुक जाए यार, 8 घंटे रुक जाए, इनको मजे कर ले, तू बस टीम आने दे, बस टीम आने दे। मैं तो यहां बैठ के बोल ही रहा हूं कि विराट की तो बात ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा, रोहित की बात करो।
और रोहित अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर कप्तान बन के आए हैं तो मतलब उनका पूरा पूरा चांस है, चांस नहीं मूड भी है, मूड भी है कि वो ही कप्तानी करे T20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने ये साबित किया है कि भाई मैं रेडी हूं, मैं फिटनेस से रेडी हूं, मेरी फॉर्म देख लो, मेरा IPL देख लेना, वो चैलेंज के लिए रेडी है। हार्दिक अभी वापस नहीं आया तो ये अगर अफगानिस्तान सीरीज में बढ़िया कर जाते हैं, ये चीज BCCI, जयशाह, सिलेक्टर्स राहुल द्रविड़, क्या सिलेक्टर्स राहुल द्रविड़ साइड करो, बट BCCI बोर्ड और जयशाह अप्रिशिएट करेंगे कि रोहित शर्मा हटे नहीं। लेकिन अच्छा पता क्या होता कि वो साउथ अफ्रीका में जाते, जाना चाहिए था भाई वहां पे। यही दुर्भाग्य है इंडियन क्रिकेट का कि ये सब मिलके ना हमें बेवकूफ बनाते। आप अफगानिस्तान सीरीज में वैसे क्या प्रूव कर लोगे, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, प्लीज टेल मी, कुछ नहीं प्रूव होगा। आप लोग अब एक बार टीम दिखाना, फिर से एक बार टीम दिखाना, जो टीम आपने बनाई ना आदित्य, एक बार टीम दिखा दीजिए। आप लोग अफगानिस्तान को पेल के घर में इंडिया में क्या प्रूव कर लोगे? आपका बनता नहीं था कि आप साउथ अफ्रीका में कप्तानी करते, जब आपको एक महीने का ब्रेक मिल गया था, आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं खेले, आपको बीच में टेस्ट मैच से पहले ब्रेक मिलता ना, ओडीआई सीरीज थी उसमें आप ब्रेक ले लेते, ओडीआई तो होना नहीं है, ओडीआई तो अभी खत्म हुआ है, आपका बनता था वहां पे दोनों का, आपने फालतू में ब्रेक ले ली। अब आप अफगानिस्तान को घर में पेल के क्या प्रूव करोगे? तो भाई आपको फिर से बता दे, टीम अनाउंस हो गई है एक बार, जिन जिन ने अभी ज्वाइन करा है, स्पोर्ट्स यारी पे ही सबसे पहले आपको बोला था ब्रेक करेंगे और स्पोर्ट्स यारी पे ही ब्रेक करा है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेट कीपर, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, अच्छा एक नाम आवेश खान का नाम फिर से आया है। ये ऐसा नाम है कि लौट के फिर से आया था, बुमराह नहीं होता, फेंकते हो उबाल आके दोबारा आके मुंह पे पड़ता है। रिसेंटली आपने आवेश खान और मुकेश कुमार, तो आवेश खान की भी वापसी हुई है इसलिए क्योंकि सिराज को रेस्ट दिया गया है, बुमराह को रेस्ट दिया गया है, हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़ एंड सूर्य कुमार यादव तीनों इंजरी की वजह से टीम में जगह अक्षर भी आए हैं, अक्षर पटेल, जडेजा रेस्टेड है, अक्षर पटेल को मौका मिला है। अब आप देखो पिछले कुछ दिन में कप्तान तो छोड़ दो, वाइस कैप्टन कितने चेंज हो गए भाई। ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन था इंडिया में, इन्होंने फिर अनाउंस करा श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, भाई तुमने अभी अनाउंस करा श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, अब टीम में भी नहीं है, साउथ अफ्रीका टीम में था श्रेयस अय्यर भाई, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है टीम में, आपका वाइस कैप्टन था, आपने श्रेयस अय्यर अनाउंस करा वाइस कैप्टन, वो नहीं है टीम में, और जो आपका ओरिजिनल वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन बन गया था हार्दिक के एब्सेंस में, वो भी नहीं है। तो अब इन्होंने बोला भाई भाड़ में जाए, हमने वाइस कैप्टन रखना ही नहीं है, देख रहे हैं जो भी वाइस कैप्टन होता है ड्रॉप हो जाता है, रेस्ट हो गया मतलब वाइस कैप्टन थे रेस्ट। आप ये देखिए ये हमारी प्लानिंग है टीम इंडिया की, इनको कुछ नहीं पता, लेफ्ट हैंड को ये नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं है कौन अच्छा कर सकता है बुरा कर सकता है। इनमें से प्रैक्टिकली T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन नजर आएंगे एक बार वो भी बता दूं आपको, 100% यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं पहले, यशस्वी जायसवाल आप 100% लगा लो, शुभमन का नहीं बोलता, यशस्वी का मैं 100% बोल, ठीक है। वैसे शुभमन ने आना है 700 रन का वो मार सकता है, लेकिन इस बार वो कप्तान बन गया गुजरात का, कप्तानी का प्रेशर भी आएगा, फिर भी अगर उसने कर दिया तो यशस्वी जायसवाल रन मारेगा ही मारेगा, चलो यशस्वी जायसवाल रखता हूं मैं। रिंकू सिंह 200%, रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है, खेल ही ना वो 11 में भी होगा रिंकू सिंह। उसके बाद तीसरा नाम रवि बिश्नोई, ठीक है 100% होगा रवि बिश्नोई, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। चौथा नाम अर्शदीप सिंह होगा ही होगा। उसके बाद जो इसकी एक नीचे कैटेगरी आती है जो बहुत क्लोज है, शुभमन गिल, मुकेश कुमार भी अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन शुभमन गिल, तिलक वर्मा मैं बोलूंगा, तिलक वर्मा बोल सकते हैं, जितेश शर्मा भी थोड़ा पीछे। मौका असली, अब मैं को ये बताओ आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा कौन, जितेश खेलेगा, संजू सैमसन खेलेगा, ये बताओ, और शिवम दुबे खेलेगा कि नहीं खेलेगा? संजू शिवम दुबे को पिछली बार नाम आया पूरी सीरीज नहीं खेला, आपको एक बात बताऊं, रोहित कप्तान है शिवम को खिलाएंगे, कैसे आपने गेस किया है? यार बदला भी नाम की चीज होती है यार, शिवम दुबे अब क्यों खेलेगा? अब क्यों खेलेगा अगर इंजर्ड हो गया तो इसको खिलाओगे वर्ल्ड कप में? किसी ऑलराउंडर को तैयार करना, तो पहले नहीं तैयार, एक सेकंड पहले नहीं तैयार करना था ऑस्ट्रेलिया वाली, अभी आपको देखना है ना कि क्या बैकअप चाहिए वहां पे, क्या बैकअप है, हार्दिक पांड्या का बैकअप, तो हार्दिक पांड्या का बैकअप तो आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, तो बोल ही रहे थे कि वहां पे तैयार करते, तब क्यों नहीं खिलाया आपने? रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में कप्तान थे, हार्दिक पांड्या भी खेल रहा था, शार्दुल ठाकुर भी खेल रहा था, शार्दुल भी था, इसीलिए उसकी टक्कर पे शार्दुल भी था। अब जब रोहित शर्मा कप्तान है
शिवम दुबे 101% 11 में दिखेगा, खेलेगा खेलेगा और खेलना भी चाहिए। क्यों खेलना चाहिए भाई? क्योंकि आप भाई हार्दिक पांडे आप कल उसका बोल दे भाई मेरी कोनी में या मेरी एल्बो में, भगवान ना करे अगर हो गया तो क्या भरोसा भाई, शिवम दुबे फिर आ जाएगा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ जाएगी शिवम दुबे की। तो शिवम दुबे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि शिवम दुबे अब आप देखो कि इनकी कॉमेडी क्या है। सिलेक्टर्स को मैं सलाम करना चाहता हूँ, भाई तुमने शिवम दुबे को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रखा, पूरी सीरीज में एक मौका नहीं दिया, तुमने साउथ अफ्रीका सीरीज में उसको हटा दिया, वहां पे सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शिवम दुबे है ही नहीं, तुम वापस उसको यहां ले आए। तुमने अक्षर पटेल को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रखा, वो दो लगातार लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच, तुमने उसको साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं रखा, अब तुम उसको वापस ले आए इंडिया सीरीज में। ये क्या तमाशा लगा रखा है भाई, चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, कौन के? अच्छा संजू सैमसन था ही नहीं, नहीं था सीरीज, संजू आ गया, उसकी भी उसने 100 बना दिया। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये क्या पागल हो चुके हैं क्या, खुद भी पागल हो रहा है, पागल हो रहा है। सवाल है जो भाई सुपर चैट सारी लेंगे, ऑलमोस्ट 10,000 लोग हमारे साथ हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्पोर्ट्स चैरी को, ब्रेकिंग लेके सबसे पहले आपके साथ जुड़े हैं स्पोर्ट्स चैरी पे, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जी कोबरा जी, मेरा एक सवाल है, देखो ये जो टीम बनाई गई है, हाँ जी, अगर मैं इस टीम को देखूं, हाँ जी, और अभी ये मत भूलो कि भाई आईपीएल के बेसिस पे ही आपको सारी चीजें सिलेक्ट करनी है बाद में इवेंचुअली जाके जी, लेकिन जो विकेट कीपर लगे हुए हैं, जितेश आए हैं और शिवम दुबे आए हैं, संजू आए माफ, उनका नाम संजू के नीचे, संजू सैमसन और जितेश शर्मा, संजू और जितेश आए, आपके दो विकेट कीपर आए, ईशान नहीं है क्योंकि हर सीरीज में अब तक चल रहे, मेंटल फटीग हो गया, और रोहित हमेशा ईशान को रखते थे। तो क्या अब एक नया फैसला हम देख सकते हैं, क्या इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि फाइनली हमें ओपनर रोहित और विराट मिलने वाले हैं T20? देखिए मैं आपको, क्योंकि अगर वो दोनों ओपन करते हैं हमारे 6 बोलिंग ऑप्शन भी पूरे हो जाते हैं। मैं और दिल से, कोई भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर दिल से पिछले 3 वर्ल्ड कप से 2 दुबई वाले से एंड इवन ऑस्ट्रेलिया वाले में मैंने ये बोला था विराट कोहली को ओपन करना चाहिए रोहित शर्मा के साथ, और कोई नहीं होना चाहिए। केएल राहुल के मैंने हाथ जोड़ दिए थे, उनके पैर भी पकड़ लिए थे, उनकी पैरों की धूल मैंने सर पे भी लगा ली थी कि भाई मुझे माफ कर दे, है ना। तो मैंने ये बोला था कि विराट कोहली को ओपन करना चाहिए रोहित शर्मा के साथ, कोई डाउट नहीं मुझे इसमें। आज की डेट में अगर ये डिसीजन लेते हैं सोने पे सुहागा, देर है दुरुस्ता। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, अगर ये दोनों ओपन कर रहे हैं आप वर्ल्ड कप जीत, आप मेरे से अभी लिखवा लो, रिंकू सिंह टीम में हो, केएल राहुल कीपर हो, झूठ नहीं बोलूंगा। देखो मेरा दिल ये है, केएल राहुल को मेरे सारा किसी ने क्रिटिसाइज नहीं करा भाई, आज वो टीम में नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं केएल राहुल नंबर 6 पे कीपर की तरह खेले, मैं चाहता हूं, मेरे को भी संजू एज अ फिनिशर वो कर जाएगा वो, ठीक है। देखो अगर संजू का ये सीजन गया अमेज, देखो संजू ने इतना इंटरनेशनल अभी खेला नहीं है, उसने आपने मौके भी नहीं दिए, ये बात देख लो आप, नहीं दिए दोनों बात है। अब तो टाइम निकल गया ना यार, अब से दे लो, अब तो वर्ल्ड कप ये रहा, अब तुम्हारा 3 इंटरनेशनल मैच, अभी तो 100 अभी 100 लगा कर आया, तो बनने में ना, हां मतलब फॉर्म तो लगी हुई है, लेकिन बात ये है कि तुमने केएल राहुल को लगातार खिलाया, उसको एक्सपीरियंस भी है, अब वो मिडिल ऑर्डर खेलना चाहता है, अब तुम्हें ये पता है कि वो कंसिस्टेंटली रन मारने वाला बंदा है, वो प्रेशर में चोक करता है, भगवान से यही दुआ है भाई उसकी जरूरत ही ना पड़े फाइनल में, तब बचोगे। अगर उसकी जरूरत पड़ेगी फाइनल नॉकआउट में किसी में जरूरत, अगर उसकी नहीं नॉकआउट की, देखो नॉकआउट एक था सेमीफाइनल हमारा, जहां विराट ने 100 मार दिया, श्रेयस ने 100 मार दिया, तो केएल राहुल भी शेर बन गया, जहां गया श्रेयस जहां गया विराट केएल राहुल टुक टुक। तो यही प्रॉब्लम है, अगर केएल राहुल का जरूरत पड़ेगी वाकई में कि कंधों पे उसके आगे केएल राहुल जिता दे मैच, तब तुम बर्बाद हो, तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन पूरे टूर्नामेंट खेले केएल राहुल संजू से ज्यादा कंसिस्टेंट है, मैं उसको हेट नहीं दूंगा, बिकॉज ये लोग हेटिंग नहीं भाई, मेरे को इंडिया के लिए जो बेस्ट है मैं वो टीम चाहता हूं। मैं चाहता हूं रोहित और विराट ओपन कर लें और केएल राहुल एज अ कीपर लोअर मिडिल ऑर्डर, देख रोहित विराट सूर्या हार्दिक, अगर ये ऊपर से जाते भी है ना हार्दिक संभाल ले, हार्दिक ने पहले भी आप देखो एशिया कप का मैच याद करो, चाहे वो मैच था पाकिस्तान ओडीआई था 266 वाला, हार्दिक ने संभाला। आप वर्ल्ड कप का मैच याद करो जहां पे पाकिस्तान 82 नॉट आउट विराट, वहां पे भी हार्दिक विराट, आप सेमीफाइनल याद करो विराट हार्दिक, तो हार्दिक प्रेशर सिचुएशन संभाल लेता है, केएल राहुल से नहीं संभलती। तो केएल राहुल को ऐसी सिचुएशन चाहिए जब मजा आ गया और मजा करे, रिंकू भी प्रेशर में अच्छा करता है आईपीएल में, जितना उसको प्रेशर में देखा उसने बढ़िया किया, रिंकू भी कर सकता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी टीम के अंदर जो मैं बनाऊंगा, अगर मेरी चॉइस हो तो मैं केएल राहुल को देखना चाहता हूं। इन्होंने अच्छा किया कि अभी इन्होंने आई वॉश करने के लिए ना संजू सैमसन को घुसा दिया कि चलो भी डाल दो, नहीं किया। अच्छा इसमें से 11 क्या बनेगी, जरा इसमें से 11 बनाते हैं, चलो भाई देखते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में 11 क्या हो गया, क्या देख रहे हैं वर्ल्ड कप में रोहित विराट ओपनर लग रहा है क्या? मेरे को तो लगता है, लग रहा है मुझे भी, क्योंकि दो विकेट कीपर जो आपने, विकेट कीपर की जो चॉइसेस आपने जो बनाई। एक और बात बताऊं आपको,
अभी हार्दिक को आने दो, फिर पता चलेगा क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और फिर पता चलेगा कि कैप्टन कौन है, और फिर पता चलेगा टीम क्या है। और आईपीएल में रोहित और विराट के रन देखने दो, पहले तो यही सीरीज देखने दो ना, पहले तो अफगानिस्तान वाली सीरीज देखो भाई, अफगानिस्तान जो मर्जी है रन तो बनाने पड़ेंगे, बोलेंगे उनके पास। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है अफगानिस्तान सीरीज में, रन बना दोगे कोई बड़ी बात नहीं, रोहित शर्मा अफगानिस्तान सीरीज में रन बना के क्या प्रूव कर लेंगे, वो तो मैं बोलूंगा कि भाई क्या कर लिया तुमने, अफगानिस्तान को पीट दिया तुमने, सही बात है, क्या फर्क पड़ता है, अगर रन ना आए तो और कपड़े फट जाएंगे, क्या अफगानिस्तान के साथ भी नहीं चले, ये खेलेंगे वर्ल्ड कप, ये बनी हमारी टीम, तो ये दो धारी तलवार है भाई। तो अब इसमें से 11 बनाओ, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनर, या रोहित शर्मा शुभमन गिल, जायसवाल, जायसवाल, रोहित विराट, अभी से शुरू करो यार, अभी से शुरू करो, आपके पास दो विकेट हैं, फिर गिल और जायसवाल के साथ, बच्चों के साथ चीटिंग है, देखो आप क्या कर रहे हो, आप फिर अगर 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 वर्ल्ड कप में बच्चों के साथ चीटिंग होनी है, ये चीटिंग है, तो यहीं से शुरू कर दो ना, नहीं अगर वर्ल्ड कप में ऐसी चीटिंग, तीन नंबर का मूड में, ये चीटिंग है, तीन नंबर, हाँ ये बात है, नहीं नहीं तीन नंबर की बात नहीं है, बात ये है कि मैं फिर बोल रहा हूँ ना, हार्दिक ने वापस आना है, चलो तो वो देखेगा, वो बोलेगा भाई जायसवाल को बाहर क्यों रखा तुमने, मैं को उसको देखना था, जो भी है, तो अभी आप रखो रोहित शर्मा, जायसवाल, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तीन नंबर विराट कोहली, चार नंबर तिलक वर्मा, चार तिलक, डन, पांच रिंकू, डन, छह संजू, यार संजू ऊपर आना चाहिए, छह पे नहीं आना चाहिए, तो संजू पांच कर लो, रिंकू संजू चार करो ना, फिर संजू चार, तिलक पांच, अच्छा लेफ्टी भी तो चाहिए ऊपर, लेफ्टी कौन है, यशस्वी जायसवाल है लेफ्टी, और विराट कोहली, फिर लेफ्टी तिलक वर्मा, फिर संजू सैमसन, फिर रिंकू सिंह, शिवम दुबे भी अगर खिलाना है तो फिर, एक सेकेंड ना, रिंकू सिंह छह, सात पे शिवम दुबे, सात पे शिवम दुबे आ गया, आठ पे बिश्नोई या वॉशी, वैसे तो वॉशी भी है, अक्षर भी है, अक्षर कर देंगे पहले, पहले तो अक्षर को रखो यार, फिर ये तो बात गलत, नहीं नहीं तो फिर तिलक वर्मा को बाहर बैठना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि अगर शिवम दुबे को खिलाना है तो फिर आप रोहित, जायसवाल, विराट तीन, चार पे संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर, देखो तिलक वर्मा को रोहित रखेगा, पांच पे रिंकू, तिलक वर्मा को रोहित शर्मा रखेगा, तो फिर शिवम दुबे को ड्रॉप करना, तो अगर शिवम को लाओगे फिर रिंकू को ड्रॉप करना पड़ेगा भाई, शिवम दुबे को मेरे ख्याल से खिलाना 100% खिलाएगा, तो फिर तिलक वर्मा ही बाहर बैठे, तिलक बाहर होगा, फिर तीन पे आपके लिए विराट, चार पे फिर संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर, पांच पे रिंकू, छह पे शिवम दुबे, और सात पे अक्षर, ये बन रही है, और फिर उसके बाद बिश्नोई आठ, और आपके तीन पेसर्स जो अर्शदीप, आवेश और मुकेश कुमार, जो ये आपकी टीम लग रही है 11, ये बन रही है अगर शिवम दुबे खेल रहे हैं, तिलक वर्मा ड्रॉप। एक और अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, जी, के रोहित, शिवम दुबे, यार पहले 11 बनाने दे, तू अपने ऑप्शन ना दे ना, वो शिवम दुबे को भी खिला सकते हैं, अबे यार, और वो तिलक को भी खिला सकते हैं यार, आप फिर रोहित विराट ओपन करवा लो, दोनों खेल जाएंगे, दोनों यार मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल का बनता है, तुम जबरदस्ती बात बनता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल नहीं बोल रहा, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, विराट कोहली, चार पे मैंने किसको रखा था, आपने तिलक को रखा था, तिलक को, इसके संजू को, संजू का रखा, चलो आपको संजू ही रखना पड़ेगा, संजू शिवम दुबे खिलाना है, चार पे संजू, पांच पे रिंकू, छह पे शिवम दुबे, सात पे अक्षर पटेल, आठ पे रवि बिश्नोई, नौ दस ग्यारह मेरा होगा अर्शदीप सिंह, आवेश और मुकेश, यही होंगे तीन, पेसर ही नहीं कोई और, कोई नहीं है, शिवम दुबे ना चौथा, भाई ये 11 बना दियो, अत्या जो मैंने 11 बताई है, फिर से सुन ले, फिर से सुन ले, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के लिए 11, आप लोग भी बताइएगा ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, अत्या बना दियो मतलब प्रोबेबल 11 फॉर अफगानिस्तान सीरीज, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह एंड आवेश खान, ये 11 सुन लिया इतना, फिर से बोलूं, हो गया ना, तो इनकी 11 बना के स्क्रीन पे दिखा दे एक बार, मेरे लिए प्रोबेबल 11 ही है, शिवम दुबे, शिवम दुबे छठा ऑप्शन हो गया, आप तैयार कभी तो करो, एक दो तीन चार पांच, सात से ग्यारह तक आपके पांच बोलिंग के ऑप्शन, और छठा बढ़िया ऑप्शन है भाई, छठा तैयार तो करना पड़ेगा, और शिवम दुबे को आप देखोगे कि तीन तीन ओवर भी वो डालेंगे, चार भी डाल सकते हैं, चार भी डाल सकते हैं किसी गेम में, देखिए जी अभी आपको 11 भी दिखा देंगे, अच्छा ये बड़ा हो गया, फिर से मैं याद दिला दूं कि ये आपके बड़े सारे लोगों ने ट्राई करा कि विराट कोहली को बाहर निकाल दो, विराट कोहली को बाहर निकाल दो, हम इतने दिन से बोल रहे हैं विराट कोहली बाहर हो ही नहीं सकता, और आज हमारी बात प्रूव हो गई, बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठ के 2021 से एजेंडा चला रहे हैं कि विराट कोहली बाहर हो जाए, बट उनके मुंह पे चप्पल पड़ी है आज, बिल्कुल आपको सैंडलें पड़ती है वैसे ही हुई, लेकिन अच्छी बात है, देखो इससे एक बात प्रूव हो रही है कि विराट कोहली 2024 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, रोहित के लिए नहीं हो रही है, खैर अभी प्रूफ, रोहित का ये है कि आईपीएल बढ़िया जाना चाहिए, और हार्दिक रोहित के अंडर खेलना चाहते हैं, या रोहित अगर सिलेक्टर बाद में बोले कि हार्दिक कप्तान बन रहे हैं आईपीएल के बाद,
क्या रोहित हार्दिक के अंडर खेलना चाहते हैं, इट्स अ बिग थिंग। या फिर वहां पे डील हो गई कि रोहित एमआई का कैप्टन, सॉरी हार्दिक एमआई कैप्टन, रोहित वर्ल्ड कप कैप्टन, हार्दिक वहां खेले, या फिर हार्दिक थोड़ा बड़प्पन दिखाए बड़े भाई की तरह, कोई बात नहीं। हार्दिक बड़प्पन दिखाए, हार्दिक बड़ा, हार्दिक छोटा है ना, हार्दिक छोटा है, हार्दिक चलो ईगो को साइड रख के वो करे कि आप बड़े भाई हो, कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप आप खेल लो, बाद में तो मुझे खेलना है, उसने करना होता ना, वो इसी सीजन कर देता हूं मैं, इसके लिए करता, चलो वो एक अलग बात है, उसमें सबसे बड़ी बात है, का भी डिसीजन था ना, सबसे बड़ी बात है हार्दिक पांड्या वापस आएगा, उसकी फिटनेस देखो, उसका फॉर्म देखो, वो किस तरीके से खेलेगा। अच्छा आप ही ऐसा ना हो जाए कि उसी की जगह ना बने वर्ल्ड कप में। अच्छा आप विराट कोहली तो 100% खेल रहा है, आप मुझे बताओ कि कौन क्या क्राइटेरिया होगा कि अगर रोहित वर्ल्ड कप में कप्तानी करेगा, एक ही क्राइटेरिया हो कि हार्दिक ना हो, नहीं ऐसी बात नहीं, या हार्दिक माने फिर नहीं ऐसी हार्दिक मान जाए, ये क्राइटेरिया हो सकता है कि हार्दिक की फॉर्म इतनी अच्छी ना हो और उसकी फिटनेस भी डामाडोल हो, उसे बॉलिंग कच्ची पक्की हो रही हो, उसे बैटिंग इतनी अच्छी ना हो। देखो 3 महीने हैं आईपीएल से, अगर प्रॉपर फिट है ठीक है, मान लिया आईपीएल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, आप बेस्ट केस सिनेरियो लो, अगर हार्दिक पांड्या प्रॉपर फिट है और हार्दिक पांड्या अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और अगर रोहित शर्मा पूरा फिट है और रोहित शर्मा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, फिर कौन कप्तान होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर ऐसा हो गया तो मैंने आपसे पहले पूछ लिया, आप बताइए। तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी तो उनके पास है, हार्दिक के पास, शर्मा ही कप्तान होंगे, वो डील आप जो बता रहे थे कि मुंबई इंडियंस कप्तानी होता है और इंडिया कप्तान, अगर ऐसा होता है मैं चाहता हूँ रोहित ही कप्तान, रोहित कप्तान होंगे, एक्सपीरियंस फैक्टर है और सारे फैक्टर, बट फिर जो एमआई वाला फैक्टर है वो अलग बात है। नहीं फिर आप ये लगा लीजिए, अगर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे एमआई की और अगर वो बैटिंग अच्छी कर गए और हार्दिक पांड्या कप्तान अच्छा है और वो अगर हार्दिक पांड्या का भी फॉर्म अच्छा रहा तो कहीं ना कहीं तो मामला फंसेगा, मामला आप ये मत सोचो कि इतना इजी होगा, अगर हार्दिक की परफॉर्मेंस आ गई तो वो चाहेगा कि वही वर्ल्ड कप कैप्टनसी करे, फिर बीसीसीआई के लिए मुश्किल हो जाएगी। बेस्ट केस सिनेरियो यही है, बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि रोहित परफॉर्म करे, रोहित की परफॉर्मेंस आ जाए, हार्दिक की ना हो, यार आप भैया क्या बात कर रहे हैं, और हार्दिक पांड्या, हार्दिक आपको बहुत जरूरी है टी20 वर्ल्ड कप मैचेस में आपको बचाने वाला, मैं वही तो, अरे बात आप समझ नहीं रहे हो, बेस्ट केस सिनेरियो मैं कह रहा हूँ, हार्दिक को टीम से बाहर करने की नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, बेस्ट केस सिनेरियो आपको कप्तान ही बनने का, यही रोहित का कप्तान, रोहित का, रोहित के समय क्या मतलब, हम तो चाह रहे हैं दोनों प्लेयर्स इंडिया के लिए खेले और दोनों प्लेयर्स सही से खेले और दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस आए, किसी से भी हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस ना आए, हाँ लेकिन ये है कि रोहित शर्मा किस सिनेरियो में वो कप्तान बनते, तो पूछ रहा हूं। उसको बेस्ट केस सिनेरियो नहीं बोलते, उसको बोलते हैं किस सिनेरियो में वो बनेंगे, वो इस सिनेरियो में बन सकते हैं कि हार्दिक की कच्ची पक्की परफॉर्मेंस आए, और वैसे तो उसकी कच्ची पक्की आएगी ना तो भी फंस जाएगा मामला, अगर उसकी फिटनेस पूरी हुई तो उसका बहुत अच्छा चांस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रोहित शर्मा की खुद की परफॉर्मेंस कैसी होगी भाई, बीच में वो आईपीएल में पिछले 5-6 सीजन में रोहित शर्मा का 500 का सीजन नहीं आया, नहीं आया 500 का या 400 का भी मुश्किल से आया होगा, यार पानी करो, 400 का भी नहीं आया, सो रोहित शर्मा को इस बार रन मारने पड़ेंगे आईपीएल में, तो करना ही पड़ेगा, प्रूफ तो आपको देखो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा, सुपर चैट चैलेंज दिखा देना, टेस्ट मैचेस हैं उसमें भी करना पड़ेगा, जहां तक क्योंकि ये रोहित शर्मा को कप्तान भी बन चुके हैं अफगानिस्तान की सीरीज में, तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि अगर आईपीएल रोहित शर्मा का अच्छा जाता है एज अ बैटर, रोहित शर्मा आपके कप्तान होंगे, फिर वो बेशक थोड़ा सा मामला फंसेगा, हार्दिक की अपनी बात होगी, ईगो क्लैशेस भी आएगी, वहां भी डिस्कशंस होंगे, मीटिंग होंगे, लेकिन आप देखना क्योंकि राहुल द्रविड़ भी कोच है, रोहित शर्मा के साथ ही आप जाओगे T20 वर्ल्ड कप में, मुझे भी लगता है जब अगर रोहित की परफॉर्मेंस आ गई फिर कोई सवाल नहीं, अगर रोहित की परफॉर्मेंस आ गई तो 100%, और हमने अभी प्रोबेबल 11 बताई थी आपको अगेंस्ट अफगानिस्तान क्या हो सकती है, तो उसमें रोहित कप्तान, जायसवाल के साथ ओपन करेंगे, विराट 3 नंबर पर, सैमसन विकेट कीपर, रिंकू सिंह 5 नंबर पर, शिवम दुबे क्योंकि ऑलराउंडर चाहिए एक, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल बाहर हो गए थे लास्ट 2 मैच याद करिए ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच, उसके बाद रवि बिश्नोई जो बहुत अच्छा करके आए, हालांकि कुलदीप भी है टीम में, तो ये कुलदीप को रखेंगे, हमने देखा साउथ अफ्रीका में भी कुलदीप खेले, रवि बिश्नोई नहीं खेले, तो ये कुलदीप को ही रखेंगे, कुलदीप स्लैश कर दीजिएगा, उसके बाद आवेश, अर्शदीप, मुकेश, ये ठीक है, तो यही आपकी प्रोबेबल 11 होगी अगेंस्ट अफगानिस्तान। देखने वाली बात यह है कि रोहित शर्मा के कितने रन आते हैं, और स्पेशली अफगानिस्तान सीरीज भूल जाओ यार, आईपीएल इस बार फाड़ना बहुत पड़ेगा, क्रूशल होने वाला है भाई, बहुत क्रूशल होने वाला है, वहां पे रन जिसके ना आए राम नाम सत्य क्रिकेट से भाई, अब देख लो, बता रहा हूं इंडियन इंडियन बाहर है, इंडियन क्रिकेट के लिए आप देख लो कि आईपीएल शायद पहली बार सारा सिलेक्शन उधर ही आईपीएल इतना क्रूशल होने वाला, पहले हाफ से ही आप सिलेक्ट करोगे यार, देखिए मेरे को तो बहुत खुशी है कि दोनों दिख रहे हैं।